एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4 द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3 कहता है रहमान की एज 3 साल पहले और 5 साल बाद जब हम इनकी एज को रेसिप्रोकल करेंगे और ऐड करेंगे वहां पे हमें मिलता है 1/3 फाइंड हिज प्रेजेंट एज उसकी प्रेजेंट एज निकालो तो जो हमें निकालना होता है उसी को हम करते हैं लेट सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स चलिए मान लेते हैं कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है एक्स ईयर्स है तो सवाल कहता है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज जब हम रहमान की एज को रेसिप्रोकल करते हैं लेकिन किसकी एज को 3 साल पहले वाली एज को और 5 साल बाद वाली एज को जब हम इनको रेसिप्रोकल करते हैं और ऐड करते हैं यू विल गेट 1/3 ठीक है ना सम उसका याद रखो यहां पे सम लिखा इसकी एज का सम लेकिन कौन सी एज जो 3 साल पहले वाली एज रहमान की और 5 इयर्स के बाद वाली एज जब हम इनकी एज को सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है हमें वहां भी मिलता है 1/3 लेकिन इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने से पहले हम क्या काम करेंगे हम पहले उसकी एज को निकालेंगे 3 साल पहले और 5 साल बाद मुझे बताओ बच्चों रहमानस एज क्या होगी रहमानस एज 3 इयर्स एगो अगर इस वक्त प्रेजेंट एज है एक्स 3 साल पहले क्या एज होगी वेरी नाइस वो होगी एक्स माइनस 3 ठीक है अच्छा अब अगर इस वक्त एज एक्स से 5 साल बाद एज क्या होगी वेरी गुड मैं लिखूंगा फिर रहमानस एज आफ्टर 5 इयर्स 5 इयर्स के बाद एज क्या होगी वो होगी एक्स प्लस 5 ठीक है ना सवाल कहता है जब इनकी एज को आप रेसिप्रोकल करोगे और उसको सम करोगे यू विल गेट 1/3 तो मैं लिखूंगा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तवज्जो फिर से ठीक है ना सवाल फिर से सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3 जब हम इनकी एज को रेसिप्रोकल करते हैं लेकिन किस वाली एज को 3 साल पहले और 5 साल बाद वाली वो होता है 1/3 के बराबर अच्छा 3 साल पहले एज क्या थी एक्स माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 5 लेकिन इसकी एज इसका रेसिप्रोकल इनकी एज का रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल कैसे हो जाएगा 1 ऊपर मैं 1 लिखूंगा चलिए मैं यहीं पर करता हूं ऊपर 1 और ये अब जो 3 साल पहले एज थी इसको मैंने रेसिप्रोकल किया वो निकला 1/(x-3) 5 साल बाद वाली एज क्या थी एक्स प्लस 5 इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/(x+5) ना जैसे आपको निकालूगा 5 का रेसिप्रोकल आप क्या लिखोगे 1/(5) उल्टा करोगे ना ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं आएगा तो 1 आएगा वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में इनकी एज का रेसिप्रोकल बीच में सम हमें करना है ऐसे इज इक्वल टू 1/(1/3) बस यहां पे हमारी क्वेश्चन बन जाती है यू अंडरस्टैंड फिगर मैंने क्या काम किया बच्चों सिंपली 3 साल पहले एज उसकी होगी x-3 क्योंकि अगर प्रेजेंट एज है x 3 साल पहले होगी x-3 5 साल बाद क्या एज अगर इस वक्त x है तो 5 साल बाद होगी x+5 तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल कहता है जब आप इनकी एज को रेसिप्रोकल करते हैं 3 साल पहले वाली एज को और 5 साल बाद वाली एज को तो हमें मिलता है 1/3 मैंने वही लिखा इसका रेसिप्रोकल हमने किया तो 1/(x-3) इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/(x+5) इज इक्वल टू 1/3 उतना मच कंफ्यूजन ठीक है अब हम इसको सॉल्व करते हैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो एक्स प्लस 5 इंटू 1 क्या निकलेगा एक्स प्लस 5 वेरी नाइस आप इसको करो एक्स 1 जार ये निकलेगा फिर से एक्स माइनस 3 है ना एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय यहां पे पहले एक्स से करना इन दोनों को फिर माइनस 3 से एक्स एक्स क्या हो गया वेरी गुड 5x क्या हो गया प्लस 5 वेरी गुड अब माइनस 3 से करना इन दोनों को माइनस 3x माइनस प्लस हो गया माइनस 5 3 जार 15 इज इक्वल टू 1/3 होता मच कंफ्यूजन वेरी नाइस ऊपर से गौर करोगे तो 2x है दोनों की जो साइन है वो प्लस है तो 2x हो जाएगा वो हो जाएगा 2x अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट 2 है एक को प्लस है दूसरे को माइनस माइनस हो जाएगा 5 में 2 तो 5 में 3 तो 2 प्लस 2 नीचे आप गौर करोगे तो एक्स स्क्वायर इसकी कोई लाइक टर्म नहीं इसको ऐसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स वाले फिर से 2 है एक की निशानी प्लस दूसरे की माइनस 5x से 3x काटो प्लस वेरी गुड ये आगे माइनस 15 ऐसे ही इज इक्वल टू 1/3 शाबाश बच्चों मजीद बोलो क्या करना है
वेरी नाइस, फिर से क्रॉस हो जाएगा, फिर से क्रॉस हो जाएगा। अब तीन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, वन से इसको कर दो, चलो वन से पहले इसको करेंगे तो वापस आ जाएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू थ्री टू आर सिक्स और थ्री टू आर प्लस सिक्स, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब हम क्या करेंगे, उनको इधर ले जाएंगे। अब इसको सेकंड ऑर्डर फॉर्मूला है, बस एक्स स्क्वायर ऐसे ही तवज्जो बचो। अब प्लस टू एक्स वहां से आएगा, अब सिक्स एक्स ये माइनस सिक्स एक्स, माइनस फिफ्टीन अपना ही उधर से आ जाएगा छह, तो माइनस सिक्स उधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। यहाँ पे आप गलत करते हो बच्चों, वहां पे जब कुछ नहीं रहता तो जीरो रहता। वेरी नाइस, अब हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब एक्स स्क्वायर इसको किसी के साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि इसकी कोई और लाइक टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहते हैं। अब एक एक्स वाली दो टर्म्स है ये और ये, सिक्स ए को प्लस है दूसरे को माइनस, सिक्स एक्स को काटेंगे दो एक्स माइनस फोर। वेरी नाइस, ठीक कह रहे हो आप। अब कॉन्स्टेंट टर्म दो है, दोनों को माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 15 और 6 कितने हो गए माइनस 41 एक प्लस में जीरो। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम आपकी मर्जी है, आप यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड इस पे अप्लाई कर सकते हो और आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आसान रहेगा क्योंकि इसमें कोई नंबर वंबर ढूंढने नहीं है। तो जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं तो हम क्या करते हैं, एबीसी पहले निकालते हैं, निकालते हैं ना। ए कितना है बच्चों वन, बी कितना है माइनस फोर, सी कितना है माइनस 41, एम आई राइट? इसके बाद हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा बी स्क्वायर हो गया माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के बदले 1, सी के बदले माइनस 41, एम आई राइट? 4 4 जार माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 4 2 जार 8 सही बना या आप बीच में प्लस है तो इन दो को प्लस करेंगे 100 का स्क्वायर रूट जो है दैट इज 10, 10 टेन 100। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैं लिखूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बच्चों, इक्वेशन किसमें है एक्स है, एक्स एस नियम रूट कितने रूट और रूट निकालने की फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आपको इस फॉर्मूला को याद रखना, ये कौन सी फॉर्मूला है, रूट निकालने की फॉर्मूला। वेरी गुड, आप x निकलेगा पर माइनस बी, बी दो माइनस आएंगे, क्यों दो माइनस आएंगे, एक फॉर्मूला का या एक फोर का अपना है। जब दो माइनस आ गए तो ब्रैकेट रखना यहाँ पे लाजमी होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। इसके बाद मैं लिखूंगा अंडर रूट 100, मैं सही कह रहा हूं, डिवाइड बाई 2 इंटू ए के बदले 1, एक्स निकलेगा बराबर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, ये 100 स्क्वायर रूट का मतलब है 10 डिवाइड बाई 2 1 2 हमारे रूट आ गए, एक बार प्लस देना एक बार इसको माइनस देना, एम आई राइट? अब एक्स निकलेगा बराबर 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 कॉमा एक्स निकलेगा 4 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, एम आई राइट? एक्स निकलेगा बराबर 10 और 4 14 डिवाइड बाई 2 2 1 2 2 7 14 एक्स निकला 7। कोई कंफ्यूजन? एक्स निकलेगा यहां से करेंगे सॉल्व, एक्स निकलेगा बराबर 10 में 4 काटेंगे तो माइनस 6 माइनस वाला बड़ा है डिवाइड बाई 2 2 1 2 2 6 एक्स निकलेगा माइनस 3। तो एक मिनट, हमें क्या निकालना था, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, दो आंसर आ गए। मैं लिखूंगा सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज है क्या, तो इस नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब वो पैदा ही नहीं हुआ है, नेगेटिव एज इज नॉट पॉसिबल, सो इस आंसर को मैं ड्रॉप करूंगा, क्यों, एज इन नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो मैं लिखूंगा यहां पे थोड़ा सिनस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होगी, डियर फोर एज ऑफ रहमान फिर कितना निकला, यानी कि एक्स वो निकला मुझे 7 ईयर्स, वो निकला, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो समझ, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बताएं, क्लोज कर लो।